रैंकिंग सीखने से पहले मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके रैंकिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा आसान कर देगी, बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट लाइक अ बैकबोन फॉर योर रैंकिंग लर्निंग प्रोसेस। हीलियम 10 विच इज़ द वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर फॉर अमेजोन सेलर विद मल्टीपल ऑफ फीचर्स। नाउ यूजिंग हीलियम 10 वी कैन फाइंड टॉप 10 एंड टॉप 20 कीवर्ड्स ऑफ योर कंपेटिटर एसेंस, यानी कि हम अब हीलियम 10 को यूज़ करते हुए अपने कंपेटिटर के एसेंस के टॉप 10 और टॉप 20 कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन फाइंड टॉप 10 एंड टॉप 20 कीवर्ड्स ऑफ योर कंपेटिटर एसेंस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉमर्स राइट। मेरा नाम अबू बकर है। मैंने हमेशा आपको कोई भी स्किल सिखाने से पहले उसकी बेसिक्स कवर करने के ऊपर तवज्जो दी है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द टॉप 10 एंड टॉप 20 कीवर्ड्स ऑफ आवर कंपेटिटर एसन। सो फॉर दिस वी हैव टू मूव टू स्क्रीन, सो लेट्स मूव टू स्क्रीन। सो सबसे पहले आपने अमेज़ॉन के सर्च बॉक्स में अपनी प्रोडक्ट का कोई सा भी नेम टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गार्लिक प्रेस टाइप करता हूँ और यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाते हैं। यहाँ पे मैं स्पॉन्सर जितने भी एड्स आ रही हैं इनको इग्नोर कर दूंगा। यहाँ नीचे जाके मैं ट्राई करूँगा मुझे एक ऐसा सेलर मिले जिसके ऊपर अमेज़ॉन चॉइस या बेस्ट सेलर का बैज लगा हो। तो यहाँ पे मुझे अमेज़ॉन चॉइस का ही एक सेलर मिल रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके मैं इसका एसन कॉपी कर लूँगा। एसन कॉपी कर लिया, तो उसके बाद मैं हीलियम 10 में जाऊंगा। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। हीलियम 10 के डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं कीवर्ड रिसर्च और उसके बाद सेरिब्रो का जो ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करूंगा। तो उसके बाद मुझे कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। यहाँ पे आपने अपना एसन पेस्ट कर देना है और मेक श्योर आपने अपनी राइट मार्केट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे गेट कीवर्ड्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। सो बूम, इस एसन के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स रैंक हुए हैं यहाँ पे हीलियम उसको शो कर रहा है। यहाँ पे 5,406 कीवर्ड्स जो हैं वो इस एसन पे रैंक हुए हैं, राइट। तो यहाँ से आपने सर्च वॉल्यूम को हाई से लो सॉर्ट कर लेना है। नाउ यू कैन सी दैट कि जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है वो हमें ऊपर नज़र आ रहा है, और जिनका कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम है वो हमें नीचे नज़र आ रहे हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो नोटिस वन अनदर थिंग कि ये जो कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं 5,406, इनमें वो भी कीवर्ड्स शामिल हैं जो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, या तो सेमी रिलेटेड हैं या नॉट रिलेटेड हैं। तो वी हैव टू रिमूव दैट कीवर्ड्स। सो वट वी डू, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक का एक फ़िल्टर लगाएंगे, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम इज़ 10। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द वैल्यूज़ 10 और 20 और 30 अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स। इफ़ यू सी दैट कि आपके जो कीवर्ड्स आए हैं उनमें अभी भी आपके जो नॉट रिलेटेड कीवर्ड्स शामिल है, यू कैन श्रिंक द क्राइटेरिया फ्रॉम 20 टू 10। और अगर आप नोट करें कि 10 पे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो श्रिंक द क्राइटेरिया टू 8, 7 और 6 where you feel the best results, right? अब आप देख सकते हैं कि 5,406 में से only 72 keywords बच गए हैं जो कि हमारी product के बिल्कुल related हैं, most related keywords हैं। अब आप इन keywords को one by one check करके verify कर सकते हैं कि आपको आपकी product show हो रही है या इस keyword पे आपको कोई और product नज़र आ रही है। तो हम एक एक करके product को check करते हैं, let's see। अभी फर्स्ट कीवर्ड चेक करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा कीवर्ड चेक करूँगा और यहाँ पे भी मुझे मेरी प्रोडक्ट यानी कि गार्लिक प्रेस ही शो हो रही है। सो सेकंड इज़ आल्सो माय राइट कीवर्ड। नाउ लुक एट द थर्ड कीवर्ड। जब मैं थर्ड कीवर्ड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि गार्लिक प्रेस है वो शो नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे कुछ और ही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आपके सामने, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट माय कीवर्ड्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे हीलियम 10 पे ये जो क्रॉस का बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँगा, और फिर मैं नेक्स्ट कीवर्ड को चेक करूँगा और देखूँगा कि वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से मैं सारे कीवर्ड्स टॉप 10 और टॉप 20 चेक करूँगा। अगर आपको टॉप 10 कीवर्ड्स निकालने हैं तो आप टॉप 10 कीवर्ड्स वन बाय वन चेक करेंगे,
अगर आपको टॉप 20 कीवर्ड्स निकालने हैं तो आप टॉप 20 कीवर्ड्स को वन बाय वन चेक करेंगे। आफ्टर यू डन ऑल यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट्स एक्सेल शीट डाटा। हाउ? हमें यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करना होगा। तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द डाटा इन द एक्सेल शीट फॉर्मेट। अब आपके पास आपकी प्रोडक्ट की मोस्ट रिलेटेड टॉप 10 कीवर्ड्स का डाटा आ चुका हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा, जो कि रैंकिंग का लेक्चर होगा, कि हम इन कीवर्ड्स को अपनी रैंकिंग में कैसे यूज़ करेंगे। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अमेजोन के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।